और राजा विमल जो कि सिंधु के राजा थे, सिंधु देश के, उनकी कन्याओं का श्री कृष्ण द्वारा वर्णन करने पर उनके प्रेमा स्वरूप संजस्व जल से पृथ्वी का हृदय विकलित होने से विमल कुंड की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को जिंदों ने बनाया था और एक रात में पूरा बना दिया था। ये देखिए, ये श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह। जय हो ईश्वर, जय हो, कृपा है तुम्हारी। तो भाई अभी बद्रीनाथ के लिए जा रहा था, यहाँ थोड़ा गोंद गांव में कुछ लोगों ने रोका, मुस्लिम समाज के लोग थे, काफी सम्मान किया मेरा, बस निकल आया हूँ बद्रीनाथ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज निकल आया हूँ राजस्थान के लिए, यूपी से आज राजस्थान पहुँचेंगे, कांवा पहुँचना है आज, कांबन, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हुई हैं कई। भाई अभी कांबन यहाँ से लगभग 19-20 किलोमीटर है, तो चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं कांबन में। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ कामा, यहाँ आज पहुंचना था कांबन, ज़्यादा नहीं था 20-25 किलोमीटर था, तो यहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ दर्शन करते हैं विमल कुंड के, उसके बाद चलेंगे चील महल और 84 खम्मा दर्शन करने के लिए। चलो करते हैं यहाँ पे दर्शन सबसे पहले। ये देखिए विमल कुंड, यह है भाई विमल कुंड। चलते हैं थोड़ा सा जल का आचमन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यह है भाई कुंड, यहाँ पर भाई 20 घाट हैं और 20 घाटों के नाम अलग अलग हैं, तो चलते हैं और करते हैं दर्शन। यह है भाई गिरिराज घाट, यहाँ पर दर्शन कीजिए श्री गिरिराज धरण महाराज जी के। यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री विमल कुंड की परिक्रमा देने वाले इस जगह पर 3 बार नरसिंह बोलकर निकले तो बहुत ही पुण्य मिलता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो 3 बार बोलिए और कमेंट में लिख दीजिए जय नरसिंह, जय नरसिंह, जय नरसिंह देव। यहाँ पर इस विमल कुंड के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर श्री विमला देवी का मंदिर है जो कि अभी बंद है। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा नंद और मैया यशोदा की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरे कोई संतान होगी तो मैं तीर्थाटन करूंगी। जब श्री कृष्ण भगवान से मैया ने अपने मन्नत के बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि अब आपकी वृद्धावस्था है तो मैं सभी तीर्थों को यहीं पर एकत्रित करता हूँ। तब यहाँ पर सभी तीर्थों को लाया गया और इसे तीर्थराज की उपाधि दी गई थी। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने राजा विमल की पुत्रियों के साथ वरण किया था, तो उन्हीं के प्रेमाश्रुओं से इस कुंड का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे विमल कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर भादो मास की द्वितीय तिथि को मेला लगता है और कहा जाता है कि यहाँ पर उस द्वितीय तिथि को अगर कोई भी स्नान करता है या कोई 25 के ऊपर से भी निकल जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाई अब दोबारा से उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ से स्टार्ट किया था, थोड़ा सा आगे और है, अपनी परिक्रमा होती है यहाँ पे समाप्त। तो भाई यहीं से स्टार्ट की थी, विश्राम घाट है, प्रणाम करते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए चील महल के लिए। तो भाई अभी पहुंच चुका हूं चील महल पे। यहां कामा में एक महल है चील महल, जो कि राजा कामसेन ने शायद बनाया था लगभग आज से 500-550 साल पहले। ये उसके जस्ट सामने है स्टेडियम छोटा सा, और ये है महल, बड़ी जर्जर हालत में है यार। चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे छत भी नहीं है, ये है भाई चील महल। कुछ लोग बोलते हैं कि इसे जिंदों ने बनाया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कितनी जर्जर हालत में है, अभी हम काफी ऊंचाई पे हैं, देख सकते हैं हम नीचे, अंदाजा लगा सकते हैं नीचे से। ये राजस्थान के भरतपुर में कामा तहसील में है। ये भाई नीचे के गांव, नीचे का एरिया है, ये कामा है, कामा जिसे कामबन भी बोला जाता है, जो वृंदावन जो कि यहाँ ब्रज के वनों में से एक है।
ये ईंटों का बनाया गया है भाई, तो ये ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग ऐसा ही 400-500 साल पुराना होगा, क्योंकि ईंट लगी हुई है इसमें और वो भी इसी टाइप की जो ऐसी अब होती हैं। यहाँ छोटा सा है यार, ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये शायद यहाँ पे गुफा है जो कि बंद कर दी गई है। ये देखिए यार, काफी जर्जर हालत में है भाई, सारा टूट फूट गया है। ये है भाई, यहाँ तो देख लिया है, अब चलते हैं 84 खम्मा दर्शन करने के लिए। 84 खम्मा गोकुल में भी है और यहाँ पर भी है 84 खम्मा मंदिर, और चलते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि उन 84 खम्मों को कोई गिन नहीं सकता है, कभी 83 रह जाते, कभी 85 हो जाते हैं, तो चलते हैं यहाँ पे। ये है भाई 84 खम्मा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को जिंदों ने बनाया था और एक रात में पूरा बना दिया था। ये स्मारक है, कोई मंदिर तो है मुझे लगता नहीं है कि मंदिर है। और अभी बाहर बात हो रही थी तो बोल रहे थे कि इसमें वो भी पूरा खुदा हुआ है, वो कलमा उर्दू में, पता नहीं कहाँ है ये, आप देखना। मैं मुझे लगता है कि किसी मंदिर को तोड़ के बनाया गया है भाई। भाई मैं आपको दिखाता हूँ क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ये देखिए जो पत्थर बीच बीच में लगे हुए हैं जिनमें की नक्काशी है, ये बीच में कैसे आए भाई, पत्थर लगते तो पूरे एक से लगते। ये देखिए ये बीच बीच में नक्काशी कैसी है अलग अलग पत्थरों की, ऐसे थोड़े होता है भाई। यहाँ पर ये सिंहासन टाइप बना हुआ है, ये देखिए बीच बीच में अलग अलग पत्थर लगे हुए हैं। चलते हैं भाई, अब यहाँ से चलते हैं आगे केदारनाथ दर्शन करने के लिए। यहाँ पर श्री केदारनाथ मंदिर भी है तो वहाँ चलेंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ेगा, तो भाई एक 300 मीटर की लगभग चढ़ाई है, इसको चढ़ के जाना है ऊपर। ये सामने आपको शायद मंदिर दिख रहा हो, इस रास्ते से होते हुए जाना है। चलते हैं ऊपर और दर्शन कराते हैं आपको श्री चरण पहाड़ी के। तो भाई अभी पहुंच चुका हूँ चरण पहाड़ी मंदिर पे। ये देखिए कितनी ऊंचाई पे, वहाँ आपको दिख रहा होगा खेत वगैरह। यहाँ इस रास्ते से होके आया हूँ, ये श्याम प्यारी आ चुकी है अपनी। अब चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं अंदर चरण पहाड़ी में, मंदिर में, और फिर थोड़ी देर यहीं रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को निकलेंगे केदारनाथ के लिए। यह है भाई मंदिर। जय श्री राधा रानी सरकार, जय। ये देखिए श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह, ये देखिए। और यहाँ पर अब अपने बाबा बजरंगी विराजमान हैं, जय बाबा बजरंगबली। और भाई यहाँ पे हूँ अपन, देखिए कहाँ पे हैं, ये पहाड़ी है पूरी। तो यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखिए ये श्री कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह, जय हो ईश्वर, जय हो, कृपा है तुम्हारी। तो बस भाई अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे केदारनाथ दर्शन करने के लिए। मिलते हैं आपसे केदारनाथ पहुँच के शाम को। ये देखिए यहाँ पर इस पहाड़ी के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। देखिए पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं और इस पहाड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, जिसे सुनकर के तीनों लोग मोहित हो गए। बंसी की धुन से पत्थर पिघल करके भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बन गई। जिन चरणों के दर्शनों के लिए ऋषि मुनि तपस्या ध्यान धरते हैं, वही चरण श्री कृष्ण मनुष्यों के उद्धार हेतु पत्थर पर छोड़ गए। मनुष्य इन चरणों के दर्शन करके पूजन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है गोचर लीला,
महत्व है क्या इसका? लुक लुक कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ लुका छिपी खेल खेल रहे थे। वहां से भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। ग्वाल बालों ने बहुत समय ढूंढा लेकिन नहीं मिले। कृष्ण के विरह में ग्वाल बाल अपने प्राण त्यागने लगे। तब भी श्री कृष्ण ने पत्थर पर खड़े होकर बंसी बजाई जिससे पत्थर कोमल होकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चिन्ह बन गए।